नमस्कार, दैनिक जागृति में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानकारी देंगे कि बटन मशरूम की व्यावसायिक उत्पादन फार्म संरचना कैसे होती है। किसान और मशरूम उत्पादक और जो मशरूम की व्यावसायिक उत्पादन की इच्छा रखने वाले बंधु हैं, उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनके द्वारा आप मशरूम की 12 महीने खेती कर सकते हैं। व्यावसायिक उत्पादन फार्म संरचना का मतलब है कि जो जहाँ पे आप मशरूम की खेती करते हैं वो ढांचा कैसा होना चाहिए, जिससे कि आप 12 महीने उसमें खेती कर सकें और अपने व्यवसाय को अच्छे से चला सकते हैं। इसके बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि पूरी मशरूम की खेती इसी पे आधारित होती है। लेकिन उससे पहले मैं अपने बंधुओं से कहना चाहूंगा कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को दबाना न भूलें। इससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी कृषि से संबंधित जानकारी की। मैं अपने बंधुओं को कहना चाहूंगा कि फार्म संरचना के बिना मशरूम की खेती करना असंभव है, तो आप इसको शुरू से आखिरी तक जानकारी के लिए सुनिए। इस हम अपने भाइयों को बता दें कि ये एक भाग में सिमटने वाला विषय नहीं है। इसके लिए कम से कम 3 से 4 वीडियो हमें बनानी पड़ेंगी, तो आप शुरू से अंत तक जानकारी के लिए वो सभी वीडियो देखिए। उसके बाद आप अपने मशरूम का उत्पादन बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं और उत्पादन उत्तम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, वर्तमान में विश्व में बटन मशरूम का उत्पादन मुद्रा अर्जन का सर्वश्रेष्ठ साधन है और एक अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक फसल है। बटन मशरूम यानी खुम्ब न केवल बहुत ही पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, अपितु खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा इसको स्वस्थवर्धक प्रोटीन पोषक के रूप में अनुमोदित किया गया है। मशरूम उत्पादन का महत्व न केवल कृषि उत्पादन के उपयोग में है, साथ साथ इसके लिए भूमि की आवश्यकता नहीं होती है एवं इसका उत्पादन एक नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। इसके अलावा मशरूम उत्पादन में जगह का प्रयोग ऊर्ध्वाधर दिशा में किया जाता है। बटन मशरूम यानी खूम उत्पादन के लिए कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आप बंजर भूमि का उपयोग खाद बनाने, बीज बनाने, मशरूम उत्पादन और पश्चे फसल उत्पादन के प्रयोग के लिए कर सकते हैं। भारत में मौसमी बटन मशरूम उत्पादन सर्दी के मौसम में जब तापमान कम रहता है किया जाता है और पूरे वर्ष भर व्यावसायिक तौर पर कृत्रिम नियंत्रण वातावरण कक्षों में किया जाता है। इन दोनों ही तरह के उत्पादन के लिए उत्पादन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। बटन मशरूम फार्म हेतु आवश्यक इकाई। बटन मशरूम इकाई की संरचना बनावट में मुख्य रूप से खाद, बीज बनाने, फसल उत्पादन, पश्चे फसल तकनीकी में प्रयुक्त संरचनाओं को जमीन के एक टुकड़े पर इस तरह बनाया जाता है ताकि बटन मशरूम यानी खुम्ब की अधिक से अधिक फसल प्राप्त की जा सके। अतः यह संरचना विशेषताएं विशेषज्ञ की देखरेख में तैयार की जानी चाहिए। सफेद बटन मशरूम एगेरिक वाइसपोस और वाइटेक्स खास तौर पर भूसे व कंपोस्ट तैयार खाद पर उगाई जाती हैं, जबकि डेंगरी दूध या पुआल मशरूम को सीधे भूसे के पुलाव पर उगाया जाता है। बटन मशरूम उत्पादन के 4 चरण होते हैं बंधुओं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहला चरण है खाद बनाना, उसके बाद में बीज तैयार करना, उसके बाद में फसल उत्पादन और पश्चे फसल संसाधन। इन इकाइयों की भी अनेक इकाई बनी हुई हैं, जैसे खाद इकाई में है आउटडोर खाद प्लेटफॉर्म बनकर पाश्चर्यकरण कक्ष और केसिन पाश्चर्यकरण कक्ष। उसके बाद है बीज की इकाई, बीज की इकाई में बीज प्रयोगशाला और अन्य कक्ष कमरा वगैरह। उसके बाद है फसल उत्पादन इकाई, इसमें है मौसमी बटन मशरूम उत्पादन कक्ष,
और नियंत्रण जलवायु बटन मशरूम उत्पादन कक्ष, नंबर 3 जलवायु नियंत्रित वातानुकूलित वायु संवाहक, और नंबर 4 अन्य सहायक इकाइयां। फसल पश्च्य फसल संसाधन इकाई में है, नंबर 1 प्रशीतक कमरा, नंबर 2 डिब्बा बंद कमरा और नंबर 3 पैकेजिंग कमरा। इन इकाइयों की हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और हर जानकारी सूक्ष्म तरीके से देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे किसान और मशरूम उत्पादक और जो मशरूम उगाने की इच्छा रखते हैं वो अच्छी तरह से इस बनावट को तैयार कर सके और उससे अपनी व्यावसायिक खेती शुरू कर सकते हैं। इसका सार यही है कि किसान भाइयों, अगर आप एक नॉर्मल मशरूम खेती का ढांचा तैयार करेंगे तो उसमें आप केवल सर्दियों में एक ही फसल ले पाते हैं, और अगर आप इस फार्म की संरचना के आधार पर काम करेंगे तो आप 12 महीने मशरूम की खेती उगा सकते हैं। और 12 महीने मशरूम की खेती उगाने का मतलब आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि उससे आपका मुनाफा अत्यधिक बढ़ेगा और आपको फार्म संरचना में खूम की खेती के लिए केवल एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। बाद में तो आपको पता है कि फसलों का अवशेष वगैरह में कुछ ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन एक बार शुरू शुरू में आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे, उत्तम गुणवत्ता की आपकी मशरूम होगी, जिससे कि उसमें बाजार भाव भी अच्छे मिलते रहेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे खाद कैसे बनाएं, यानी खाद इकाई की विधि क्या है, उसको किस प्रकार बनाएं और कैसे कैसे तैयार करते हैं। वैसे आप कुम की पूरी संरचना की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट दैनिक जागृति पर भी आ सकते हैं, जहां पर हर एक बिंदु पर बात की गई है। तो आप देखिए अगला वीडियो फार्म संरचना का, उससे कम से कम 3 से 4 वीडियो बनेंगे, आप लगातार देखते रहिए। लेकिन इसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इन वीडियो की जानकारी समय समय पर जब भी हम अपलोड करेंगे तो मिलती रहेगी। धन्यवाद।